आज जिस तरह प्रेसिडेंट का दौरा रहा कश्मीर का और साथ साथ में कन्वोकेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, अगर बात करें महिला आरक्षण बिल को के लिए भी कुछ वो बोलती हुई वहां पर नजर आई, और अगर हम बात करते हैं एलजी विनोद सिन्हा की, तो जिस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने वाला जेएनके फर्स्ट यूटी बना है, तो इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी सैयद अजमल जुड़े हैं। आप किस तरह से देखते हैं पूरे इस प्रेसिडेंट के दौरे को? साहिल जी, देखें, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जब राष्ट्रपति पहुंचे तो उम्मीद से ज्यादा जो है लोग जो है, एक तो एजुकेशन के सेक्टर में जो लोग हैं और बाकी सेक्टर जो है उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है। और इस दौरे का इंतजार हम काफी वक्त से कर रहे थे और काफी टाइम से खबरों में ये दौरा था कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो कश्मीर आएंगी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाकर वो तलबा से मुखातिब होंगी। मैं खुद चूंकि इस डेपुटेशन जर्नलिस्ट के साथ था और मैंने खुद उनको वहां पे उनकी तकरीर को सुना और बच्चों की हौसला अफजाई और बच्चों के साथ बातचीत की, खुसूसन मेडिकल ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरेट में और बाकी स्ट्रीम्स में जो बच्चे आज उन्होंने जिन्हें फेलिसिटेट किया गया, साइटेशन सर्टिफिकेट्स और असनाद वगैरह जो उन्हें तकसीम की गई। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ठीक 12:45 बजे कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में दाखिल हुई और दाखिले के वक्त जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो रईस जामिया है डॉक्टर नीलोफर खान, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। और कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो तालीमी इस वक्त माहौल है, उस पे तकरीबन 25 मिनट तक तकरीर की। डॉक्टर नीलोफर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उन्होंने हर वक्त जिस वक्त भी माली मुश्किल, परेशानियां, कोई भी दिक्कत हुई तो उस वक्त फौरी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको सुना और फौरी तौर पर मसाइल हल किए, उनके सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर निसार जो कि रजिस्ट्रार है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये जो तुलबा हैं, इन तुलबा ने मेडिकल, नॉन मेडिकल और मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में जिस तरह से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट मुकम्मल की है, हम उनके नेक मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ गो रहेंगे। और इसी के साथ कार्रवाई जो है खुतबा इस्तकबालिया डॉक्टर नीलोफर ने पेश किया, उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर की, तकरीर में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है ये बड़ी होनहार हैं, ये बड़ी टैलेंटेड हैं और हमने 67% लड़कियां जो हैं उनको आज मेडल वगैरह दिए हैं, जिसका गालिबन ये मतलब है कि वज़ीर आज़म का जो ख्वाब है कि बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो है उसको अमली तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस कन्वोकेशन के ऑडिटोरियम में देखा जा सकता है। मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर बड़ी मुख्तसर की और तकरीर के दौरान उन्होंने इसका सदर जमहूरिया की यहाँ आमद पर शुक्रिया अदा किया, कहा कि उन्होंने उनकी दावत को कबूल किया जिसके लिए वो उनके आभारी रहेंगे। उसके बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और करीबन 15-20 मिनट के वक्फे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकरीर के साथ ही जो है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति मुल्क की वो खड़ी हुई और उन्होंने अपना तकरीर शुरू की। लेकिन तकरीर शुरू करते ऐसा लग रहा था कि वो कश्मीरी जुबान में ही इस तकरीर को शुरू करना चाहती है और खत्म भी करना चाहती है। और राष्ट्रपति ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि मैं मौज कशीर के आवाम से मुखातिब हूं, यानी ये मौज कशीर जो है ये हमारा बड़ा टिपिकल वर्ड है जब हम कश्मीर की बात करते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से और जो बुजुर्गों ने हमें विरसे में दिया है कि इसको मौज कशीर की तरह, ये एक माँ की तरह इसको आपने ख्याल रखना है, कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी यहीं पे नहीं रुकी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि गर फिरदौस बरो जमी आस्त हमी आस्तो हमी आस्तो हमी आस्तो, उसके बाद फारसी जुबान का इस्तेमाल किया और हवाला दिया कि जमीन पे अगर कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो यही है, यही है, यही है। उसके बाद द्रौपदी जी ने एफॉरेस्टेशन की बात की, जंगल बचाव की बात की, उन्हें कहा कि अगर आपने जंगल अगर आपने बचाए तो आपने माहौल को बचाया। और उसके बाद इस शेखुल आलम का कलाम, मारूफ सूफी बुजुर्ग, उनका कलाम पढ़ा, कहा कि अन पोषते लिए मान पोषे, भी कश्मीरी में पड़ा, यानी जब जंगल है तब सब कुछ हमारे पास, अगर पानी आपको चाहिए, आपको पोल्यूशन से नजात चाहिए, आपको ग्लोबल वार्मिंग से नजात चाहिए, आपको पानी बचाना है तो आपको जंगलात का ख्याल रखना है, एफॉरेस्टेशन करनी है ना कि डेफॉरेस्टेशन। उसके बाद कुरान का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि मैंने जुल्मात इला नूर, के जहालत से इल्म जो है, जो पढ़ाई है ये जहालत से आपको दूर करती है। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के बच्चों से मुखातिब हुई और जम्मू कश्मीर के बच्चों को बड़ा अनमोल तोहफा देते हुए कहा कि हमारी जितनी कोशिश हो जाएगी मुल्की सतह पर इन बच्चों के तालीमी निजाम को और बेहतर करने के लिए
हम साथ साथ रहेंगे। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम का शुक्रिया अदा किया और आसार शरीफ दसगाह हजरत बल का नाम लेकर कहा कितनी खुशकिस्मत है ये कश्मीर यूनिवर्सिटी कि इसके आसपास में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल है जिसकी मजहबी जो पोजिशन है बहुत ज्यादा बेहतर है। गालिबन ऐसा लग रहा था कि कोई कश्मीर की कश्मीर को समझने वाले कश्मीर की तारीख को कलहन का बताया, यहाँ पे मंदरों का जिक्र किया, बाकी जगहों का जिक्र किया और राजतरंगी के बाद की कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ है। गालिबन राष्ट्रपति का जो संदेश था ये जो तकरीर था ये पहले ही अपोलिटिकल होता है और ये बच्चों के लिए तकरीर था और बच्चों ने इस पूरे कॉन्क्लेव ऑडिटोरियम के अंदर और इसके अंदर जो है पूरा टाइम जो है वो तारीफ की गूंज से पूरा घंटा जो है वो महफिल में पता ही नहीं चला कि एक घंटा कैसे गुजर गया। इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी का ये दौरा जो है ये कश्मीर यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है बल्कि कुछ देर बाद वो लेजर शो के लिए डल झील के आसपास गुपकार और फोरशो रोड पे नजर आएंगी और उसके बाद अशाया की तकरीब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके एजाज में सजाए हुए हैं और कुछ देर बाद जो है बड़ा जो सिलेक्टेड क्लास है उन्हें मधु किया गया। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में द्रौपदी मुर्मू जी ने डीडीसी चेयरमैन श्रीनगर आफ्ताब मलिक, चेयरमैन जो कि डीडीसी के हैं उनका नाम लिया, जुनेद अजीम मतु जो कि श्रीनगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर उनका नाम लिया, दरक्षा इंद्राबी जी का नाम लिया और इसी तरह से जो हमारे चीफ जस्टिस हैं कोटेश्वर सिंह उनका नाम लिया। गालिबन इसके बाद इस पूरे गैलरी को गेस्ट ऑफ ऑडियंस जो था उनको समेटते हुए तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस तकरीब को बहुत बच्चों ने बहुत दूर दर पेरेंट्स के साथ देखा और बड़ा एंथुसियाज्म था बच्चों का जब उन्होंने गोल्ड मेडल जब उन्हें साइटेशन सर्टिफिकेट और तालीमी अस्ताद को हासिल किया था। जिस तरह से वहां पर माननीय उपराज्यपाल भी मौजूद थे और जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो कहते हुए नजर आए तो उसके बारे में उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी है तो इस पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं, आखिर कितना समय इसको लगेगा पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होते हुए? देखिए क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथ में जम्मू कश्मीर की कमान है और जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो अगर आपको याद होगा कि श्रीनगर के या जम्मू के मुख्तलिफ ऑडिटोरियम्स में इस तरह की तकरीबात हुई जहां पर चीफ जस्टिस मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे और जो माहिर तालीम है जो एक्स वाइस चांसलर रह चुके हैं, रजिस्ट्रार रह चुके हैं, कंसल्टेंट्स रह चुके हैं मुख्तलिफ एजेंसी के साथ, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के लिए जम्मू कश्मीर को कहा कि ये जम्मू कश्मीर के आते आते जब एजुकेशन पॉलिसी यहाँ लाई हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई इसको अडॉप्ट करने में, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला न सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पॉलिसी मेकर्स की तरफ से तालिबिलों की तरफ से। गोया जो भी आज की तकरीर थी तकरीर में एक तो एजुकेशन पॉलिसी का मामला है ही है लेकिन दूसरी तरफ मनोज सिन्हा ने भी इस बात पर जोर दिया कि तालीम नुस्मा यानी लड़कियों खवातीन की जो तालीम है वो कितना अहम है और इस अहम तकरीर में आज लगातार मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में कहा कि 50% से ज्यादा यानी 67% जो है साइटेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह जो थी वो सिर्फ बच्चों में तकसीम की गई चाहे वो मेडिकल ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट की डिग्रियां हो। गरज इस पूरे माहौल में हमने देखा कि जब बच्चियां बाहर आ रही थी इन सर्टिफिकेट को हासिल, हालांकि फंक्शन बड़ा लंबा चला और इस तकरीब को एक घंटे तक महदूद रखा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, उसके बाद जो वाइस चांसलर साहिबा और उसके बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार साहब जो है और बाकी जो अहम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी में बाकी असनाद तकसीम की गई। लेकिन आज के इस दिन का इंतजार काफी वक्त से हो रहा था और बिलाखिर ये दिन जो है दो दिन के दौरा जो है राष्ट्रपति का अभी जारी है जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति के इस तकरीर के बाद जब हमने सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और बाकी जराए देखे तो हमने राष्ट्रपति की बड़ी ताईद और तारीफ करते हुए लोगों को पाया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति की तकरीर में कश्मीर और कश्मीर बहुत ज्यादा नजर आया। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहला दौरा था कश्मीर का तो काफी मायनों में ये अच्छा भी रहा और जिस तरह इन्होंने वहां पर दौरे भी किए और अब जम्मू का दौरा करेंगी तो इन सबको मिला के देखा जाए तो ये एक बदलते कश्मीर की तस्वीर जो है ये साफ तौर पर नजर आती है। देखिए आपने जिक्र किया बदलते कश्मीर में तो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुझे इस दौरे से दूर रखा गया यानी उन्हें क्योंकि वो किसी सरकार में नहीं है लेकिन वो गिला शिकवा कर रही थी कि उन्हें पार्टी दफ्तर श्रीनगर जाना था, बुध के रोज शेड्यूल के मुताबिक वो जाती हैं बुध और शनिचर को
तो उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि उन्हें घर से बाहर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले मैं मोबाइल से के एक प्रोग्राम में था, तो वहां पे बीजेपी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जितने भी लीडर हैं उन्होंने कहा कि दौरा था लेकिन दौरे के बाद बाकी मामला भी थे, उनको भी देखना चाहिए था। बदलते कश्मीर में मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल टच बहुत कम था और पॉलिटिकल गुफ्तगू बहुत कम हुई, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में कभी भी जम्मू कश्मीर के बदलते मंजरनामे या बदल या ऐसा भी नहीं हुआ कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो कि शायद पहली बार प्रेसिडेंट साहिबा या वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आए हों। मुझे लगता है इसको बड़ा एजुकेशन के साथ और तालीमी माहौल के साथ, यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के साथ और इसी माहौल तक महदूद रखा गया। और मुझे लगता है कि आपने माहौल की बात की, कोई ई कर्फ्यू नहीं था, कोई इंटरनेट बंद नहीं था, कोई वॉइस कॉलिंग पे पाबंदी नहीं था, कोई 4G को 2G तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। हाँ, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी, एक्स्ट्रा फोर्सेस के नाके लगाए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी। और मैं जाती तजुर्बा बताऊं कि जब हमारी गाड़ी, जिसमें जर्नलिस्ट थे, इंफॉर्मेशन की ऑफिशियल गाड़ी थी, जब हम टर्न करके गेट से वापस आए तो हमें भी आधा घंटा लगा कश्मीर यूनिवर्सिटी के नसीम बाग वाले गेट से अंदर जाने का, क्योंकि ट्रैफिक जो था, ट्रैफिक एडवाइजरी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई थी। ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता जिन गाड़ियों ने अंदर जाना था उनके लिए एक लाइन लगी थी, जिन गाड़ियों को सीधा हबा की तरफ जाना था उन गाड़ियों को थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक का कुछ मिनटों तक रखा, लेकिन ओवरऑल जब हम वापस डाउनटाउन से होके आए तो हमने देखा कि माहौल बेहतर है। और सदर जमहूरिया के दौरे के बारे में बाहर जो माहौल था वो इत्मीनान बख्श था। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का दौरा रहा और बहुत मायनों में ये खास भी रहा, अब कल जम्मू का दौरा रहेगा तो वो भी खास मायनों में रहेगा क्योंकि वो कल स्काई वॉक का उद्घाटन करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।